नॉटिंगम में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। बता दें कि 269 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पूरा कर लेगी, हालांकि टीम इंडिया ने लक्ष्य को पूरा भी किया। 40.2 ओवरों में टीम इंडिया ने 269 रनों के लक्ष्य को पार कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि जब विराट कोहली 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तो टीम इंडिया का स्कोर 59 रन था, जिसके बाद विराट को और रोहित शर्मा को टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं पर विराट और रोहित काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जब रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया तो ऐसा लग रहा था कि कप्तान विराट भी अब शतक के मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल विराट 75 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी 33वां ओवर के बाद 34वां ओवर आदिल रशीद को दिया गया। आदिल रशीद की एक घूमती हुई गेंद को विराट पढ़ नहीं पाए और जॉस बटलर ने विकेट के पीछे खड़े होकर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली के करियर में यह पहली बार था जब वो इस तरह से स्टंपिंग से आउट हुए हैं। बता दें आपको कि विराट काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विराट को भी ये गलती काफी चुभ रही होगी। आउट होने के बाद विराट के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा सकती थी। वो ये जानते थे कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो चाहते तो मैच जिता कर भी ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली अपना सब्र का बांध तोड़ चुके थे, जिसके बाद वो काफी ज्यादा निराश होकर पवेलियन की ओर जाते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।